दोस्तों बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में एक समस्या आती है टीवी देखने में, नो सिग्नल, वीक सिग्नल, चैनल चलता है खिच 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 करता है, रुक रुक के चलता है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है साहिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपको बताते चले, जब बरसात का मौसम होता है तो दोस्तों आपके पास छोटी छतरी लगी है, 2 फीट की डिश लगी है, केयू बैंड की डिश लगी है, डीडी फ्रेडिस पे लगा हुआ है, एयरटेल पे लगा हुआ है, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट और भी जितने भी ये सारे डीटीएच हैं, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट है, आप टीवी देख रहे हो और आपके पास अचानक सिग्नल चला जाता है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो यहां पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह बात क्लियर कर दूं, इस समस्या का समाधान 99% तक हो सकता है और 1% तक नहीं हो सकता है। क्यों? ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरा आसमान में बादल छा गया और आपके पास नो सिग्नल हो गया। कभी सिग्नल आता है, फोटो रुक रुक के चलती है, खिच 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 ऐसे चलती है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं? LNB, एंटीना, वायर, ये तीन चीज होता है और तीन चीजों से आप इसे सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह मालूम करना होगा कि क्या इससे पहले आपका डिश एंटीना सही चल रहा था, वीक सिग्नल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी, कुछ चैनल चल रहे थे कुछ नहीं चल रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मान लो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है कि पहले चैनल कुछ चल रहे थे कुछ नहीं चल रहे थे या वीक सिग्नल कभी कभी आ जाता था, यानी बरसात के मौसम में नहीं, एकदम जब धूप रहती थी तब, तो दोस्तों आपको करना यह है, सबसे पहले LNB आपको चेक करनी है, LNB कहीं घूमी तो नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस चीज को। दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल की LNB लगी है तो उसे आपको LNB के सामने खड़े होकर, छतरी के सामने खड़े होकर, इस हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ एंटीने का जो वायर होता है, जहां वायर लगा होता है, उसे आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आप आते हैं डिश टीवी पर, डिश टीवी पे हल्का सा आपको लेफ्ट साइड की तरफ, सीधी है, हल्का सा आपको घुमाना होता है। टाटा प्ले, टाटा स्काई जो पहले था वो अब टाटा प्ले बन गया है, उसके लिए एंटीना की LNB एकदम सीधी रहेगी और एक मामूली सा आपको हल्का सा झुकाव लेफ्ट साइड में करना है। सन डायरेक्ट के लिए जैसे डीडी फ्रेडिस की आपने रखी है ऐसे रखनी है, ठीक है। उसके बाद से वीडियोकॉन 88 डिग्री के लिए भी दोस्तों आपको बस हल्का सा घुमाना है LNB का स्क्रू एंगल। आपके पास अगर LNB घूम रही है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर नहीं घूम रही है बिल्कुल टाइट है तो आप उसमें हाथ मत लगाइएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लीजिए आपका वायर कहीं से कटा तो नहीं है, होता है कभी कभी वायर कटा रहता है और बरसात के मौसम में पानी उसमें चला जाता है, किसी भी तरीके से नमी चली जाती है, उस नमी की वजह से भी दोस्तों वहां पे स्पार्किंग करता है, स्पार्किंग नहीं करेगा, जब पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें सप्लाई एक दूसरे में टच होगी तो आपके पास सिग्नल की समस्या आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए। अब आपको एंटीना देखना है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट तो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अगर ये हो रहा है इसे आप फिक्स कीजिए। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग लोकल एंटीना लगाते हैं, जैसे डीडी फ्रेडिस में ही यह समस्या सबसे ज्यादा आती है कि लोकल एंटीना लगा लिया तो लोकल एंटीने में लोकल LNB लगती है। तो आपने, आपके पास एक क्रीम कलर की अगर LNB लगी हुई है, बड़ी हल्की होती है, उस पर यह समस्या तो 100% आएगी। आप उसकी जगह पे मार्केट से अच्छा LNB ले लें, अगर कोई जानने वाला दुकानदार है तो, नहीं तो आप किसी एयरटेल डिश टीवी वाले से संपर्क करके, टाटा स्काई वालों से संपर्क करके, आप उनके द्वारा जो उनकी कंपनी की LNB होती है वो आप ले लीजिए, जिससे आप लगा देंगे तो आपके पास जब एकदम आसमान में काला बादल रहेगा तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं और शीशे के सामने एक हल्का
पर्दा टाइप में हमने टांग दिया और उसके आर पार हमें दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, तो वो चलेगा, उस पर आपको सिग्नल तो मिलेगा। लेकिन अगर हमने उसके सामने एक लकड़ी की प्लाई बोर्ड लगा दी तो आमने सामने कहां हम देख पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब आसमान में घनघोर काले बादल होते हैं तो जो सैटेलाइट के द्वारा जो सिग्नल आता है वो एंटीने से एंटीने तक नहीं पहुंचता है। तो जब एंटीने का जो एंटीना जो होता है उसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, जब वहां पे आएगा ही नहीं तो वो रिफ्लेक्ट करके एलएनबी पे कैसे भेजेगा। जब एलएनबी पे नहीं भेजेगा तो आपके पास नो सिग्नल रहेगा। और कभी कभी आसमान में बादल जा रहे हैं जहां पे सैटेलाइट है उस रास्ते, तो जहां बादल आएंगे तो आपके पास सिग्नल नो सिग्नल रहेगा, और हल्के हल्के बादल जब छटते जाएंगे निकलते जाएंगे तो आपके पास वीक सिग्नल वीक सिग्नल वीक सिग्नल, फिर सिग्नल आ जाएगा, फिर बादल आया, फिर सिग्नल चला गया, तो ऐसे होता है। तो कुल मिला जुला के इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी सीखा, जो भी मुझे मालूम था, वो हमने अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनको बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। बाकी एक और स्पेशल वीडियो आ रही है सिर्फ और सिर्फ डीडी फेरेडिस यूजर्स के लिए, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।